हेलो मिता, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इमरान, रोय, माधव, एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग अभी लाइव हैं बेटा, एवी कंफर्मेशन एक बार दे दें। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? आप सुन पा रहे हैं मुझे? कंफर्मेशन एक बार दे दें। चलिए देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। हमारा ये चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक गेट टीएसएस सिविल, जिस पे मैं आप लोगों को डेली पढ़ाता हूँ। आज हमारा क्लास जो है वो ऐसे टॉपिक पर है जिसको आप लोग, मैं जानता हूँ, गेट अप्रोच कर रहा है, आपके पास समय बिल्कुल नहीं होगा इस छोटे से टॉपिक को अपना पूरा ध्यान देने के लिए। सो दिस इज व्हाई आई ब्रॉट दिस स्पेशल क्लास फॉर यू पीपल। एक मैंने क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जिसमें मैं पूरा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपको मैं करा दूंगा। आज की इसी क्लास के अंदर पूरा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग मैं रिवाइज करा दूंगा, और आपको ये भी बता दूंगा इसी क्लास के अंदर कि इससे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, आप अन अकेडमी पर हैं, चैनल का नाम है लेट्स क्रैक ए टी एस एस सिविल। आपको पता होगा अन अकेडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम है। इसकी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना होगा, AMUS, अंकुर मलिक अन अकेडमी स्टडीज, AMUS। नीलेश कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, आई एम गुड। उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत बेहतर और गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हो। तो इस रेफरल कोड से आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगा। चलिए माधव, आज क्या हुआ था? आई डोंट नो, कुछ उसमें इशू था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, वो रेक्टिफाई हो गया है। अभी हम आराम से एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। आप में से जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो एक बार गूगल बाबा से पूछें, सिविल इंजीनियरिंग बाय अंकुर मलिक, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। उसके अलावा ये सब पढ़ सकते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिस आर माई क्रेडेंशियल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे मज़ेदार टॉपिक है, आप उसको अलग से समय नहीं दे पाएंगे मैं जानता हूँ, इसीलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये टॉपिक जिसका नाम है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की पिछली वीडियोस को आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया कि अभी यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा अगर आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को सर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको अपने ही वीडियो के व्यूज़ दिखेंगे। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आप लोगों ने प्यार दिया। तो चलिए इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको एक क्विक रिविजन कराने का इसी टॉपिक का, ताकि गेट 2021 में आपका कोई भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का, एटलीस्ट मिस ना हो। तो चलिए भाई, देखिए आपको पता है मैं किताब एक बताता हूँ एयरपोर्ट और रेलवे के लिए, वो किताब आपको इस्तेमाल करना है, उसका नाम है रंगावाला। रंगावाला से आप पढ़ सकते हैं, फॉरेन ऑथर्स को आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बाय अंकुर मलिक आपको पढ़ना है, आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए आपको गेट के सिलेबस में जो है आज सिर्फ उसकी बात करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात आज करेंगे नहीं। गेट पूछता है ज्योमेट्रिक डिजाइन से क्वेश्चन, रेलवे इंजीनियरिंग में पूछता है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक से क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन पूछेगा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रनवे, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रनवे और ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ टैक्सीवे, इन दोनों के ज्योमेट्रिक डिजाइन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोनों ही ज्योमेट्रिक डिजाइन आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक एयरपोर्ट का लेआउट। तो एक एयरपोर्ट का लेआउट आप देखिएगा, जैसे मैं टिपिकली स्टार्ट करता हूँ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट होता क्या है। आइए देखते हैं एयरपोर्ट का लेआउट। यहाँ मैं हेडिंग लिखूंगा लेआउट का और मैं यहाँ नीचे बनाऊंगा इसको, लेआउट को। देखिए भाई सबसे पहले देखिए, मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको डब्बे की सहायता से पढ़ाता हूँ। आप सब पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए बच्चे भी हैं तो नए बच्चे इसको समझ लेंगे, पुराने ऑलरेडी जानते हैं कि डब्बे के अंदर ही सब कुछ है। देखिए भाई यहाँ से एक ये ऐसा पट्टी हम जो बनाते हैं, जो ऊपर आपने देखा है ये पट्टी, पूरा लेबलिंग करेंगे बाद में, एक बार इसको कंप्लीट कर दूं।
ऐसा चलेगा। यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट सेम तरह का डिज़ाइन होता है दोनों तरफ। यहाँ पर इसे थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे। अब देखिएगा लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में आपके बने होते हैं हैंगर एंड कार्गोस, तो इसे नाम दे रहा हूँ ए बी एंड सी या ए और बी। तो ए आपका है हैंगर, स्टेट हैंगर, इंटरनेशनल हैंगर, नेशनल हैंगर ऐसा नाम दिया जाता है। बी आपका रिप्रेजेंट करता है कार्गो लोकेशन को, यहाँ पर आपका कार्गोज का सामान होता है। ये आपका होता है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका है यहाँ पर अराइवल, दिस इज योर डिपार्चर एंड दिस इज योर टर्मिनल स्टेशन। ये आपका टर्मिनल है। यहाँ पर बहुत सारी एयरलाइंस के अलग अलग काउंटर बने होते हैं, इसे टी बस लिख रहा हूँ अभी, तो टी से आप समझ जाना कि ये टर्मिनल है। यहाँ बहुत सारी एयरलाइंस के ऐसे काउंटर बने होते हैं, इन काउंटर्स के ऊपर आप अपना टिकट वगैरह कराते हैं और यहाँ से चेक इन कर जाते हैं। यहाँ पर आपका एरोप्लेन ऐसा वेट कर रहा होता है, मछली जैसा एयरपोर्ट जो मैं एरोप्लेन जो आपके लिए बनाता हूँ, मछली जैसा एरोप्लेन जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, फिर से बनाऊंगा। ये एरोप्लेन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर, ये एरोप्लेन आपको यहाँ लेकर जाते हैं। अब ये जो एक्सेस आपको देता है, दिस इज योर रनवे, राइट, दिस इज योर रनवे। अब रनवे के ऊपर एक्सेस जो आपको देते हैं, यही रोड होते हैं टैक्सीवे, यही रोड होते हैं टैक्सीवे, ये होते हैं टैक्सीवे। अब आपको जो पढ़ना है, देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपको पढ़ना होता है हैंगर, कार्गो, टर्मिनल्स, टैक्सीवे, रनवे, सारी चीजें, और यहाँ पर लोडिंग एप्रन, दिस इज योर लोडिंग एप्रन, दिस इज योर सी, सो सी इज योर लोडिंग एप्रन। ये सब का डिजाइन आपको पढ़ना होता है, ये पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। लेकिन गेट में आपको सिर्फ बोला गया है रनवे एंड टैक्सी वे का ज्योमेट्रिक डिजाइन, आपको गेट के लिए पढ़ना है सिर्फ टैक्सी वे और रनवे का डिजाइन। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखेंगे रनवे का ओरिएंटेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप बात करेंगे, हाँ जब भी आप बात करेंगे रनवे के डिजाइन की, तो सबसे पहले रनवे के टॉपिक में आएगा रनवे का ओरिएंटेशन, रनवे का ओरिएंटेशन। तो रनवे ओरिएंटेशन के बारे में आप लोग जाने, रनवे का ओरिएंटेशन बेस्ड होता है किस पर, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। रनवे का ओरिएंटेशन बेस्ड होगा इन पैरामीटर्स पर, विंड पे ये डिपेंड करता है। अब विंड की कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है? ये विंड पे डिपेंड करता है विंड की डायरेक्शन, विंड की ड्यूरेशन एंड विंड की स्पीड। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि विंड की ये तीनों पैरामीटर्स किसके द्वारा बताए जाते हैं? ये बताए जाते हैं विंड रोज डायग्राम के द्वारा। विंड रोज डायग्राम इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स ऑल दीज पैरामीटर्स इन वन सिंगल ग्राफ। तो अगर मैं बात करूं कि ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। स्पीड का मतलब है कि विंड का इंटेंसिटी कितना है। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा से है, मैं जानना चाहता हूं कि विंड की स्पीड या विंड का इंटेंसिटी कितना है। ठीक है मेरे भाई, अब अगर आपको पता हो तो ये तीनों चीजें मेजर कैसे होती हैं, विंड की डायरेक्शन, विंड की ड्यूरेशन एंड विंड की स्पीड। विंड की स्पीड मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम है एनियोमीटर या एनीमोमीटर जिसे आप बोलते हैं, तो एक मीटर होता है। ड्यूरेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं क्लॉक या फिर स्टॉपवॉच का। डायरेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं विंड वेन का। तो बेटा देखिए, मैंने आपको एक बीच में पैरामीटर्स लिखे, दोनों तरफ मैंने आपके उसके यूजफुल पैरामीटर्स बताए हैं। ये इंडिपेंडेंटली पूछा गया है, ये इंडिपेंडेंटली पूछा गया है, किसमें? इंजीनियरिंग सर्विसेज में। और विंडरोज डायग्राम से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे ही जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ कि विंडरोज डायग्राम बनाया कैसे जाता है। तो विंडरोज डायग्राम आपके लिए मैं बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पर, इससे पहले ये आप पूरा देख लूँ, तो नेक्स्ट पेज पर मैं बना दूंगा आपके लिए डायग्राम। चलिए, तो विंडरोज डायग्राम के बारे में ध्यान से आप लोग जानेंगे कि विंडरोज डायग्राम कैसा दिखता है।
देखिए यार, मेरे पास जो हमारी दिशाएं हैं वो ये दिशाएं मेरे पास अवेलेबल हैं। नॉर्थ से साउथ, दिस इज माय नॉर्थ, दिस इज माय साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। इसके बीच में आता है आपका नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में आता है आपका साउथ वेस्ट, यहाँ आता है आपका, बेटा ये विंड रोज डायग्राम है, बहुत पॉपुलर डायग्राम है, ठीक है, बहुत पॉपुलर डायग्राम है, कोशिश करूंगा एकदम सही आपके लिए बनाने की। नॉर्थ वेस्ट, दिस इज योर साउथ ईस्ट, दीज आर द डायरेक्शंस आई हैव। इन डायरेक्शंस को ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। अब विंडरोज डायग्राम कैसा बनता है ये आपको बताती है डायरेक्शन। हमें चाहिए तीन चीजें, कौन कौन? एक चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, मैंने आपकी बना दी है। दूसरा मुझे चाहिए स्पीड, मतलब इंटेंसिटी, और तीसरा मुझे चाहिए ड्यूरेशन। तो भाई विंडरोज डायग्राम बनाया जाता है 15 मिनट्स के लिए। कितनी देर के लिए? 15 मिनट्स के डेटा के बेस पे ये बनाया जाता है। अब 15 मिनट के डेटा के बेस पे जब मैं बनाऊंगा तो मैं स्पीड को कैसे दिखाऊंगा वो देखिए। मैं इसके अंदर गोल चक्कर बनाना शुरू करता हूँ, ऐसा गोल चक्कर बनाना शुरू करता हूँ। अब ये गोल चक्कर क्या करता है? कमाल करता है। कैसे करता है कमाल, देखिएगा। मान लेते हैं पहला गोल चक्कर मुझे बताता है दिस इज माय फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मैं लिखूंगा कि पहला चक्कर मुझे बताता है फर्स्ट 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, ये दूसरा बताता है मुझे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, तीसरा, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये बताता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे बढ़ता गया। अब क्या होगा देखिएगा, मैं इसके ऊपर, मान लेते हैं नॉर्थ की तरफ उत्तरी दिशा में जो हवाएं चलती हैं वो चलती हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, नॉर्थ ईस्ट में जो दिशाएं, जो हवाएं चलती हैं वो चलती हैं एट द स्पीड ऑफ 20 और 30 किलोमीटर पर आवर। सो द पॉइंट विल बी हियर, इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट ओनली द विंड्स आर ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, सो द सेकेंड सर्कल विल बी डॉटेड। इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट जो हवाएं चल रही हैं वो चल रही हैं कुछ, मान लेते हैं फिर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यहाँ चल रही हैं 20 से, यहाँ चल रही हैं 40 से, यहाँ चल रही हैं कुछ 30 से, यहाँ चल रही हैं कुछ 10 से। तो ऐसा करके हर डायरेक्शन की हवाएं हमने प्लॉट कर दी और मैंने वहां पर डॉट मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को मैं ज्वाइन करता हूँ। अब मैं इन सब को ज्वाइन करता हूँ ऐसे, ऐसे ज्वाइन करता हूँ। जब मैं इन सब को ज्वाइन करता हूं तो क्या आप देख सकते हैं कि एक रोज जैसी चीज हमारे पास बन गई है। देखिए, अज्यूम करना है जिसने ये बनाया उसने नाम दे दिया, तो यही कहलाया आपका विंडरोज डायग्राम। रिवीजन है, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, बाकी आप सब लोग समझते जाना साथ साथ, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो मोस्टली रनवेज हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? इन इंडिया मोस्ट ऑफ द रनवेज आर मेड इन दिस डायरेक्शन, जिसमें हमने सबसे ज्यादा हवाएं दिखाई हैं। इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द रनवेज आर मेड इन दिस डायरेक्शन, जिसमें हमने, अलग कलर से दिखा दूं क्या? ठीक है, अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि तुम्हें समस्या ना हो, रेड कलर से दिखा देता हूं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स आर मेड इन दिस डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, सो द डायरेक्शन ऑफ द रनवे इज साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया। द पैरामीटर्स विच डिसाइड द डायरेक्शन इज द विंडरोज डायग्राम ओनली। मैं ये चाहता हूँ कि जो लैंडिंग एंड टेक ऑफ है इट इज अगेंस्ट विंड, जो लैंडिंग ऑफ टेक ऑफ है, समझेंगे, जो लैंडिंग एंड टेक ऑफ इट शुड बी अगेंस्ट विंड। तो बेटा कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी सहायता से इंडिया के अंदर ये रनवे ओरिएंटेशन डिसाइड कर लिया। तो क्या सब लोगों को रनवे ओरिएंटेशन समझ आया भाई? थम्स अप करके मुझे बताओ, क्या सब लोगों को रनवे का ओरिएंटेशन समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब वापस आता हूं इस स्लाइड पर, और इस स्लाइड को खाली ना छोड़ते हुए इसके ऊपर मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको एक चीज। चीज क्या है कि मान लेते हैं ये मेरा रनवे है, रनवे हमने बना दिया। अब ये इसके ऊपर जो है बेटा मैंने बनाया है एयरक्राफ्ट, ये इसके ऊपर बनाया है मैंने एयरक्राफ्ट।
एंड दिस इज द स्पीड। स्पीड कैसा, देखिए मान लेते हैं इसको जो विंड ब्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, विंड, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू, राइट। तो इस दिशा में जो विंड होगा, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये थीटा एंगल की मैं बात करता हूं, सो दिस इज कितना होगा बेटा, डब्ल्यू कोस थीटा, अगर ये विंड है, एंड दिस इज योर डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। तो देखिए दो कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं विंड के, एक दिखाया है डब्ल्यू कोस थीटा और एक दिखाया है डब्ल्यू साइन थीटा। सो दिस इज नोन एज हेड विंड, ये कहलाता है हेड विंड और ये कहलाता है क्रॉस विंड। तो आज के बाद मैं जब भी बात करूंगा हेड विंड की, तो मैं बात करूंगा उस विंड की जो सीधा सीधा एयरक्राफ्ट के मुंह पे आके लगता है। मैं बात करूंगा क्रॉस विंड की, तो मैं उस बात की करूंगा जो परपेंडिकुलरली साइन थीटा कंपोनेंट है विंड का, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, किसके, फेस के ऊपर या फिर मेरे एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो क्रॉस विंड और हेड विंड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये सब मैंने क्यों पढ़ाया, ये सब मैंने इसलिए पढ़ाया क्रॉस विंड और हेड विंड, कि जब भी मेरा एयरक्राफ्ट चल उड़ता है, उड़ना चाहिए, उस समय क्रॉस विंड कंपोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आप एयरक्राफ्ट को क्या कराना चाहते हैं, टेक ऑफ या लैंड कराना चाहते हैं, तो क्रॉस विंड कंपोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात सबको समझ आई होगी। अब ये कौन डिसाइड करता है, अब ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करने के लिए कुछ अथॉरिटीज हैं जिनका नाम मैं आपको दूंगा अभी के अभी, उस नाम को आप लोग ध्यान से देखें। एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे भाई ये सारी चीजों को डिसाइड करता है। एक आता है ILS, इसको बोला जाता है इंटेलिजेंट लैंडिंग सिस्टम। ये भी आपको कई क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस बनाएंगे। गेट में शायद इसका उतना इस्तेमाल है नहीं। अब ये होता क्या है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है यूज ऑफ रडार, इसमें लैंडिंग कराई जाती है बाय यूज ऑफ रडार, रडार के इस्तेमाल से इसके अंदर लैंडिंग कराई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले, तो रडार डिसाइड करता है कि लैंडिंग कैसा होना चाहिए, ये विंड कवरेज में आता है। अब ये दोनों के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं लेंथ ऑफ द रनवे। बेटा इसकी डिटेल अगर मैं ESC का पढ़ा रहा होता तो जरूर कराता, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गेट 2021 की रिवीजन, सो इसीलिए मैं इसको डिटेल में ILS को नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें है नहीं। तो लेंथ ऑफ रनवे की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डिसाइड किया जाता है इन्हीं चीजों के ऊपर, इन पैरामीटर्स के ऊपर मैं डिसाइड करता हूं लेंथ ऑफ रनवे। तो लेंथ ऑफ रनवे क्या होता है उसे आप समझेंगे। लेंथ ऑफ रनवे के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको दूंगा, उन पैरामीटर्स के बेसिस पर लेंथ ऑफ रनवे को डिसाइड किया जाता है। देखिए सबसे पहली कंडीशंस तो क्या है कि लेंथ ऑफ रनवे ऐसा होना चाहिए कि मेरा नॉर्मल लैंडिंग हो जाए, मेरा नॉर्मल टेक ऑफ हो जाए, और ऐसा भी होना चाहिए कि जस्ट इन केस ऑफ कुछ इमरजेंसी हो जाए तो स्टॉपिंग इन इमरजेंसी, इतना काम होना चाहिए। जब भी मैं किसी भी रनवे का डिजाइन करूंगा तो पहले तो इन तीन पैरामीटर्स को मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद में किन पैरामीटर्स को ध्यान रखता हूं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। उसके बाद जो पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने हैं, जिनके बेसिस पर लेंथ ऑफ रनवे डिसाइड किया जाएगा, वो पैरामीटर्स मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं। कुछ अजम्पशंस हम मान कर चलते हैं जिसके बेसिस पर रनवे का लेंथ डिसाइड किया जाता है। सो दीज आर योर अजम्पशंस। अजम्पशंस आर, पहला अजम्पशंस है नो विंड ऑन रनवे, पहला अजम्पशन है नो विंड ऑन रनवे। दूसरा अजम्पशन है एयरक्राफ्ट इज विद फुल कैपेसिटी, एयरक्राफ्ट इज फुल, कि एयरक्राफ्ट फुल फुली लोडेड है। तीसरा अजम्पशन है एयरपोर्ट जो है वो MSL पर होना चाहिए, MSL पर होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है अजम्पशंस नो विंड इन डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट, एयरक्राफ्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन में कोई भी विंड नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा एक अजम्पशन है।
नो ग्रेडियंट ऑन रनवे, किसी भी सूरत में रनवे के ऊपर कोई भी ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, सो नो ग्रेडियंट ऑन रनवे। सिक्स्थ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस एट एमएसएल, यही एमएसएल पर भी होता है। तो आप जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एयरपोर्ट पर मानेंगे वो होगा 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। अब ये वो अजम्पशंस हैं जो मैं लेंथ ऑफ रनवे को डिसाइड करते समय इस्तेमाल में लाता हूँ। अगर मैं कुछ भी काम करूंगा, सुन लेना, अगर मैं कोई भी डिजाइन कर रहा हूँ, उस डिजाइन के वक्त अगर मेरी कोई भी पैरामीटर इन बेसिक अजम्पशन से डेविएट करता है, तो उसके लिए मुझे रनवे में करेक्शंस लगानी पड़ती हैं। इनसे अगर कुछ भी अलग होता है, जैसे कि एयरपोर्ट एमएसएल पर नहीं है, कुछ ऊंचाई पर है, जैसे कि क्या है, जो रनवे है उस पर कुछ विंड आ गई, जैसे कि हमारा जो ग्रेडियंट आ गया रनवे के ऊपर, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर चेंज हो गया एयरपोर्ट का, तो जैसे जैसे हमारे पास कुछ भी आएंगे चेंजेस, तो हमें रनवे पर उसके हिसाब से करेक्शन लगानी होगी रनवे की लेंथ पर। अब आपको अपने लेवल पर जो रनवे लेंथ की करेक्शंस पढ़नी होती हैं, वो पढ़नी है हमें, जो गेट के हमारे सिलेबस में है जो पढ़ना चाहिए, वो है एक तो एलिवेशन का, मतलब एमएसएल से जितना ऊपर जाता है तो क्या चेंजेस हैं, एक है ग्रेडियंट का और एक है टेम्परेचर का। इन तीन के लिए हमें करेक्शंस पढ़नी होती हैं, बाकी किसी के लिए हमें करेक्शंस नहीं पढ़नी होती हैं इस लेवल पर। वैसे तो करेक्शन सब में ही होना चाहिए, क्योंकि विंड तो कुछ ना कुछ हमेशा रहेगी रहेगी। सो देर आर सर्टेन करेक्शन विच आर प्रोवाइडेड बट नॉट कंसिडर्ड इन आर सिलेबस फॉर नाउ। लेकिन आपको तीन करेक्शंस हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, वो तीनों करेक्शंस मैं आज आपको अभी के अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा करेक्शंस फॉर द लेंथ ऑफ रनवे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो रहेगा वो रहेगा करेक्शंस फॉर द लेंथ ऑफ रनवे, फॉर द लेंथ ऑफ रनवे। क्या करेक्शंस होती हैं लेंथ ऑफ रनवे के लिए? देखिए, मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा इन करेक्शंस का, और आपको हमेशा करेक्शंस इसी सीक्वेंस में लगानी है। सीक्वेंस ऑफ द करेक्शंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, तो नोट करके आप लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ करेक्शंस इज सबसे पहले करेक्शन हम जो लगाएंगे बेटा, वो लगाएंगे एलिवेशन करेक्शन। अगर मेरा एयरपोर्ट एमएसएल से जितना ऊपर जाएगा, उस हिसाब से मैं करेक्शन लगाऊंगा, उसे बोला जाएगा एलिवेशन करेक्शन, जो सबसे पहले लगती है। उसके बाद मैं लगाऊंगा टेम्परेचर का करेक्शन, उसके बाद मैं लगाऊंगा ग्रेडियंट का करेक्शन। अब ये कैसे लगाऊंगा, समझिएगा थोड़ा सा इसको, कि सीक्वेंस का क्या मतलब है। सीक्वेंस का क्या मतलब है? देखिए, सीक्वेंस का मतलब ये है कि मान लेते हैं मैं ओरिजिनल रनवे लेंथ लेकर चला एल, अब वो एमएसएल से कुछ डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो मान लेते हैं मैंने यहां पर कुछ करेक्शन प्रोवाइड किया जिसका नाम था डेल्टा एक्स, तो मेरी लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एक्स। अब जो अगली करेक्शन लगेगी वो एल प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर लगेगी, ना कि एल के ऊपर लगेगी। तो जो टेम्परेचर करेक्शन है, मान लेते हैं ये बन गया कुछ डेल्टा वाई, तो जो अगली करेक्शन के बाद लेंथ होगी वो होगी एल प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब अगली करेक्शन जो ग्रेडियंट करेक्शन लगेगी वो इस पर लगेगी, ना कि एल पर लगेगी। तो मान लेते हैं यहां पर करेक्शन लगा डेल्टा जेड, तो इसके बाद जो मेरी फाइनल लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड, दिस इज माई फाइनल करेक्टेड लेंथ, ये कहलाएगा मेरा करेक्टेड लेंथ। तो क्या सब लोग समझ गए बेटा कि क्या सीक्वेंस होगा, और सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है करेक्टेड लेंथ निकालने के लिए? क्या सब लोग ये बात समझ गए? थम्स अप करके मुझे बता दो। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए, थम्स अप मिल गया है, आगे बढ़ा जाए। अब बात होगी सबसे पहली करेक्शन जिसका नाम है एलिवेशन करेक्शन। अब बात होगी सबसे पहली करेक्शन जिसका नाम है एलिवेशन करेक्शन की। अब एलिवेशन करेक्शन का क्या कहना है?
देखिए भाई, एलिवेशन करेक्शन का कहना है कि अगर हायर एलिवेशन पर आप जाते हैं, ठीक है, हायर एलिवेशन पर आप जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मुझे कोई बता सकता है? द प्रेशर विल बी लेस। जब प्रेशर लेस हो जाएगा तो मुझे लेंथ रिक्वायर्ड क्या होगा, कम या ज्यादा? द लेंथ रिक्वायर्ड विल बी मोर। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से इंजन पावर अफेक्ट होगा। इंजन पावर अफेक्ट होने की वजह से मेरे एयरक्राफ्ट को ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, ज्यादा लेंथ चाहिए होगा टू अटेन द सेम पावर जो वो कम प्रेशर में बहुत जल्दी अटेन कर पाता। तो बेसिकली पूरा खेल है प्रेशर और लेंथ का। आप सिर्फ इतना रिलेशनशिप याद रखिए कि प्रेशर अगर कम होगा तो लेंथ रिक्वायर्ड ज्यादा होगा। ठीक है भाई, अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें ICAO ने एक करेक्शन दिया। ICAO कौन है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, बता चुका हूं। तो ICAO का करेक्शन है, उनका कहना है कि जब जब मैं 300 मीटर अपना ऊपर जाऊंगा MSL से, तो मुझे लेंथ को इंक्रीज करना होगा, लेंथ को इंक्रीज करना होगा बाय 7%। लेंथ को इंक्रीज करना होगा बाय 7%। जब जब मैं 300 मीटर MSL से ऊपर जाऊंगा, मुझे लेंथ को इंक्रीज करना होगा बाय 7%। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं चला गया 600 मीटर ऊपर, तो मेरी लेंथ इंक्रीज हो गई 14% से। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आपको काम करते रहना है। ये मैं क्वेश्चन भी एक करवाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, और मार्क कर लो बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गेट। ठीक है, सेकंड तरह की करेक्शन सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आप लोग इसे सबसे ज्यादा ध्यान से भी समझेंगे। टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन भी दी जाती है ICAO के द्वारा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको आप क्या करेंगे, मस्ट बी डन आफ्टर एलिवेशन करेक्शन ओनली। इसे एलिवेशन करेक्शन के बाद ही आप करेंगे, एलिवेशन करेक्शन ओनली। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होना चाहिए वो है ARD। ARD इज नोन एज एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। अभी एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर क्या होता है, ये कहलाता है ART। ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर सर्वे एट एयरपोर्ट साइट। एयरपोर्ट साइट के ऊपर टेम्परेचर सर्वे किया जाता है और ये बताया जाता है कि उस एयरपोर्ट का एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कितना है। अब सर्वे क्या करते हैं समझेंगे। सर्वे किया जाता है, सबसे पहला सर्वे, सर्वे समझ लो बेटा, सर्वे में सबसे पहले आप निकालते हो कि जनवरी से दिसंबर तक आपके पास हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, हॉटेस्ट मंथ कौन सा है। जब आपने हॉटेस्ट मंथ निकाल लिया, तो मान लेते हैं हॉटेस्ट मंथ निकल कर आया मेरे पास जून, तो मैं देखता हूं, देखिए बेटा कोई भी दिन होता है, किसी भी रैंडम दिन में मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारी डेट्स हैं जून की। दो टेम्परेचर होते हैं, एक होता है आपका एवरेज टेम्परेचर और एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो जब मैं एवरेज टेम्परेचर का सारे मंथ का मीन लेता हूं, तो मुझे एक वैल्यू मिलता है जिसे मैं बोलता हूं TA, और जब मैं मैक्सिमम टेम्परेचर का मीन लेता हूं तो मुझे मिलता है TM, जिसे मैं डिटेल में पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो बेटा मेरे पास दो वैल्यू यहां से आई, एक वैल्यू आया TA। TA क्या है मैं लिखकर बताता हूं, दिस इज मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ ऑफ हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर। साल के हॉटेस्ट मंथ के एवरेज डेली टेम्परेचर का मंथली मीन। सिमिलरली जो TM है वो क्या है, TM है मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, ADT लिख दिया इस पर शॉर्ट में, एवरेज डेली टेम्परेचर। इसकी जगह मैक्सिमम डेली टेम्परेचर,
यहां पर कौन था एवरेज डेली टेम्परेचर, यहां कौन होगा मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। तो बेटा लिख के हटाया है मतलब समझ जाना मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो दो वैल्यू मैंने आपको समझाई, एक का नाम है टी ए, एक का नाम है टी एम। इसके बेसिस पर मैं आपको देता हूं ए आर टी। ए आर टी क्या होगा, दिस इज टी ए प्लस टी एम माइनस टी ए बाय 3। यहां से इस फॉर्मूला से मुझे सर्वे के बेसिस पर मुझे मिल जाता है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। क्या सब लोगों को एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकालना आया? सिर्फ इसके लिए थम्स अप करो, सिर्फ इसके लिए थम्स अप करो। आशु लोने गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टैंडर्ड एयरपोर्ट टेम्परेचर एट साइट कैलकुलेट करते हैं। तो एआरटी हो गया बेटा पहला टेम्परेचर। अब मैं बात करूंगा दूसरे टेम्परेचर की जिसका नाम है स्टैंडर्ड एयरपोर्ट टेम्परेचर। स्टैंडर्ड एयरपोर्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो डिपेंड करता है किस पर बेटा, एयरपोर्ट की साइट पर। जैसे कि एमएसएल के ऊपर एयरपोर्ट टेम्परेचर माना जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। अब मैं हर 1000 मीटर जब भी ऊपर बढ़ूंगा, पूजा शर्मा गुड इवनिंग बेटा, फॉर द एवरी 1000 मीटर राइज द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेटा आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे एनवायरमेंट भी पढ़ा है, मेरी वीडियोज आपने देखी होंगी। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लैप्स रेट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पूरा समझाया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मैं 1000 मीटर ऊपर जाता हूं तो टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे पास दो टेम्परेचर आए, एलिवेशन के बेसिस पर आया स्टैंडर्ड एयरपोर्ट टेम्परेचर और हॉटेस्ट मंथ के बेसिस पर आया एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। तो यहां से मैंने एक वैल्यू निकाला, यहां से मैंने एक वैल्यू निकाला, येलो से लिखूंगा, ध्यान से देखना। डिफरेंस ऑफ ए आर टी एंड एस ए टी, डिफरेंस ऑफ ए आर टी एंड एस ए टी। तो ए आर टी और एस ए टी के हर 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस पर, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस ऑफ ए आर टी एंड एस ए टी, लेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगी, लेंथ इंक्रीजेस बाय 1%। मतलब मैंने आपको जो दो टेम्परेचर्स दिए सिखाए निकालने, उनके डिफरेंस में अगर 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आता है तो लेंथ बढ़ेगा 1%, 2 डिग्री डिफरेंस आता है तो लेंथ बढ़ेगा 2%, अगर 3 डिग्री आता है तो लेंथ बढ़ेगा 3%, एंड सो ऑन। मैं आपको बता दूं हमेशा, ऑलवेज नॉट जनरली, ऑलवेज ए आर टी इज ग्रेटर देन एस ए टी, ये चीट कोड है। अगर आपका एस ए टी बड़ा आ रहा है तो चेक कर रहे हैं ना, कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है बेटा, क्या आपको टेम्परेचर और एलिवेशन करेक्शन लगाना आ गया? मुझे थम्स अप करके बता दो बेटा जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट तरह का करेक्शन आता है बेटा, छोटा सा करेक्शन है जिसका नाम है ग्रेडियंट करेक्शन, जिसका नाम है ग्रेडियंट करेक्शन। अब ये ग्रेडियंट करेक्शन होता क्या है, ये दिया जाता है एफ ए ए के द्वारा। ये एफ ए ए कौन है मैं आपको बता देता हूं, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस करेक्शन को गवर्न करती है पूरी ही दुनिया के अंदर। ये किसकी अथॉरिटी है, ये यूएसए की एक अथॉरिटी है जो गवर्न करती है। दिस मस्ट बी डन आफ्टर
आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन ओनली। तो सबसे पहले एलिवेशन, फिर आया टेम्परेचर, अब लास्ट में आया ग्रेडियंट। ये होना चाहिए। इसमें क्या है, 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। जब जब मेरे ग्रेडियंट के अंदर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट चेंज होगा, लेंथ इंक्रीजेस बाय 20%। तो देख लो बेटा, अगर मेरा ग्रेडियंट 1% चेंज हो रहा है, लेंथ मेरी इंक्रीज कर रही है 20% से, लेंथ मेरी इंक्रीज कर रही है 20% से। जल्दी से इसे लिख लो तो आगे बढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जल्दी से सब लोग बनाना और सही आंसर्स मुझे देना। चलो तो कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूं एआरटी और एसएटी पर। इफ एआरटी इज, बनाना बेटा सब लोग कोशिश करना, इफ एआरटी इज 16 डिग्री सेल्सियस। नीलेश कोलानी, इफेक्टिव ग्रेडियंट का मतलब है जो आपकी ग्रेडियंट का डिफरेंस, मतलब जो ग्रेडियंट चेंज होगा। अगर आपको बोला जाता है 2% चेंज इन ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या, जो पहले ग्रेडियंट था उसके मुकाबले 2% बढ़ गया। मतलब अगर एक्स ग्रेडियंट था तो अब कितना हो गया, एक्स में 2% ऑफ एक्स हो गया। तो यहां से आप नहीं निकाल सकते हो नीलेश गोलानी, है ना बच्चे। चलो सुनो अभी ध्यान से, क्वेश्चंस बनाएंगे सब क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, अगर एआरटी 16 डिग्री सेल्सियस है, जो रनवे है, रनवे इज 1000 मीटर अबोव एमएसएल, तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना होगा किसका, एआरटी एंड एसएटी का। छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, पहले एआरटी एंड एसएटी का कितना डिफरेंस होगा बताओ। मेटा टैक्सी वे का डिजाइन भी बताऊंगा इसके बाद। वेरी गुड, 7.5 अमित सांगी और माधव दोनों का बहुत सही है, एकदम सही है। 5K सब्सक्राइबर, 10 डेज चैलेंज, 56। बेटा गलत है आपका, 56 जो भी है आपका गलत है बच्चे, ये चेक कर लें इसको आप। चले मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं SAT एट MSL कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, तो SAT एट एयरपोर्ट कितना हुआ, एयरपोर्ट के ऊपर कितना हुआ भाई, एयरपोर्ट के ऊपर SAT कितना हुआ, 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों 6.5 डिग्री सेल्सियस कहां से आया मुझे बताओ। एक बात बताओ, अगर 1000 मीटर, ध्यान से देखो, अगर 1000 मीटर मेरा जो है एयरपोर्ट है उसका एलिवेशन बढ़ता है, तो टेम्परेचर कितना घट गया, 6.5 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो बेटा 1000 मीटर पे कितना होना चाहिए, 6.5 डिग्री सेल्सियस का कम वैल्यू होना चाहिए, है कि नहीं। सो द आंसर वुड कम आउट टू बी कितना बेटा, आपका आंसर आया 8.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ताज्जुब की बात यह है कि ऑप्शंस में 8.5 भी था। अब बच्चा क्या है, जैसे ही 8.5 देखेगा उसको टिक कर देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसने टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है एआरटी का और एसएटी का, तो ये तो एसएटी आया है। अब 16 में से 8.5 माइनस करते हो तो कितना आता है भाई, 7.5 आता है। ये हुआ एआरटी और एसएटी का डिफरेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा था तब से। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको, सब लोगों को थम्स अप करो अगर क्लियर है तो, डाउट है तो पूछो। चलो अब सब लोग मुझे एआरटी निकाल कर बताएंगे,
क्या बताएंगे सब लोग? एआरटी निकाल कर बताएंगे अभी सब लोग, ठीक है? हाँ, एआरटी निकाल कर बताना अभी सब लोग। देखिए, द मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज 49 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर 49 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस। द मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। वट वुड बी द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर? एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर क्या होगा, मुझे बताइए जल्दी से। एआरटी बताइए मुझे क्या होगा। अभी फॉर्मूला दिया मैंने आप लोगों को, उसके बाद एलिवेशन करेक्शन कराऊंगा एक क्वेश्चन में। निलेश को उसे अच्छा लगेगा। वेरी गुड अमित एंड माधव, वेरी गुड, यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट। आप लोग सीख रहे हैं अच्छे से। वेरी गुड, 43 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तीन आंसर आ गए हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। मेरा रूल रहता है, तीन आंसर आने पे आई स्टार्ट सॉल्विंग। तो देखो भाई, ए आर टी किसके बराबर है? मैंने आपको बताया था टी ए प्लस 1/3 ऑफ टी एम माइनस टी ए। सो दिस विल कम आउट टू बी, दिस इज योर 40 प्लस 1/3 ऑफ 49 माइनस 40 विल गिव यू 9। सो दिस विल बी 3। सो दिस विल कम आउट टू बी 43 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है भाई सबको? क्लियर हो गया होगा, ये तो सबको आसान सा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। आफ्टर एलिवेशन एंड टेम्परेचर करेक्शंस, ध्यान से बनाना इसको। आफ्टर एलिवेशन एंड टेम्परेचर करेक्शंस, एंड टेम्परेचर करेक्शंस, एल इज गिवन एज 2845 मीटर्स, ठीक है? 0.5% इफेक्टिव ग्रेडियंट है, ठीक है? तो मुझे बताइए फाइनल लेंथ कितना होगा, मुझे बताइए फाइनल लेंथ क्या होगा, जल्दी बताइए सब लोग फाइनल लेंथ बताइए क्या होगा, फाइनल लेंथ जल्दी बताइए। वेरी गुड माधव, 3130, वेरी गुड। वेरी गुड अमित, देखेंगे सब लोग, नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा इसको, देखेंगे सब लोग। देखो ध्यान से क्या है बेटा, नेक्स्ट पेज पे देखो। एक बात बताओ, मेरा 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट पर लेंथ कितनी इंक्रीज होती थी? लेंथ इंक्रीजेस बाय 20%। 0.5% इफेक्टिव ग्रेडियंट पर लेंथ इंक्रीजेस बाय कितना? 10%। अब अगर ओरिजिनली मेरी लेंथ 100 थी, तो अब मेरी लेंथ 100% थी, तो अब मेरी लेंथ कितनी हो गई? 100% प्लस 10%, सो दिस विल कम आउट टू बी 110%। 110% का मतलब क्या है? 1.1 टाइम्स, यही तो मतलब है। तो जो भी मेरा लेंथ गिवन है 2845, इसका 1.1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3130 एंड दिस वुड बी माय फाइनल लेंथ। क्या समझ गए निलेश गोलानी इफेक्टिव ग्रेडियंट का मतलब क्या है? क्या समझ गए सब लोग? तो बेटा क्या ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग बना लेंगे, टैक्सी वे का डिजाइन स्टार्ट करें? क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, टैक्सी वे का डिजाइन स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं टैक्सी वे का डिजाइन। आइए हेडिंग डालेंगे सब लोग, टैक्सी वे का डिजाइन, टैक्सी वे का डिजाइन, ठीक है भाई? चलो सुनो ध्यान से। देखिए, आपको टैक्सी वे में बता चुका हूं क्या होता है ना, टैक्सी वे बता चुका हूं। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बाय अंकुर मलिक,
हाँ, कुपाला कौशिक हो गया बेटा रेलवे इंजीनियरिंग का रिवीजन। आप एक काम करो, इसी वीडियो की लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लेट्स क्रैक जेटीएससी सिविल, वहां से मुझे डीएम करो, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। ठीक है बेटा, आराम से बैठ के देखना फुर्सत से। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं, बहुत अच्छा रैंकिंग हो गया हमारी वीडियो का इस पर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इसको ढूंढ सकते हैं। छोड़ो डायग्राम वायग्राम क्या करोगे, अभी सुनो, सीधा प्लेन बनाओ। दिस इज माई प्लेन, ठीक है, दिस इज माई प्लेन। प्लेन की कुछ चीजें समझा रहा हूं, समझ लेना। इसे मछली जैसा लगेगा पर मान लेना ये प्लेन है। ठीक है, आप समझो। देखिए, हर प्लेन के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुन। दो चक्का पीछे, एक चक्का आगे, ऐसे होता है। इसे बोला जाता है फ्रंट गियर। ध्यान से समझना, फ्रंट गियर या फ्रंट एक्सल। इसे बोला जाता है रियर गियर, रियर एक्सल या फिर लोडिंग गियर। बेटा अलग अलग नाम देगा क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना। लोडिंग गियर या फिर एक और नाम होता है मेन गियर, ये सारे नाम इसी की, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अलग अलग नाम देगा तू। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोला गया डब्ल्यू। क्या बोला गया? डब्ल्यू। इतनी बात क्लियर है? अब सुनना, इसी एयरक्राफ्ट को मैं रखता हूं किस पर? एक ऐसे रनवे के ऊपर। ये हटा रहा हूं अभी। इसी एयरक्राफ्ट को मैं रखता हूं एक रनवे के ऊपर। रनवे कैसा? देखो, इसके ऊपर अभी इसको लगाते हैं। ये रनवे क्या है, ये डिसाइड करता है। दिस इज माय टैक्सी वे। ठीक है, ये मान लेता हूं मेरा टैक्सी वे है जिसकी विड्थ है टी। ध्यान से देखते जाना। यहां पर ये सेंटर लाइन आ गई। इस सेंटर लाइन के ऊपर ऐसा, इस सेंटर लाइन के ऊपर ऐसा। दिस इज माय एयरक्राफ्ट, राइट? दिस इज माय एयरक्राफ्ट, ओके। ये लो, मछली जल की रानी है, पंख भी लगाते हैं। तो थोड़े छोटे पंख बनाएंगे इसके। ए, पंख क्यों नहीं बन रहा है? अरे हाँ, ये बना। देखो बेटा, पंख बने। अब जो फ्रंट गियर होता है, फ्रंट एक्सल होता है, उसे रखा जाता है सेंटर लाइन के ऊपर। ध्यान से सुन लेना, जहाज बता रहा हूं। फ्रंट गियर, फ्रंट एक्सल को रखा जाता है इसके ऊपर, सेंटर लाइन के ऊपर। ये दोनों जो होते हैं रियर गियर, उन्हें रखा जाता है साइड में इस तरीके से कि ये इसके बीच में आ जाए। अब कुछ डायमेंशंस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। रियर गियर से यहां तक इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसे बोला जाता है डब्ल्यू टी। क्या बोला जाता है? डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी का मतलब क्या है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। टैक्सी वे के यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस होता है बेटा, ये होता है 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। और इस सेंटर लाइन से और यहां तक के स्पेसिंग को बोला जाता है एस। क्या बोला जाता है? एस। तो मैंने तुम्हें कुछ पैरामीटर्स दिखाए, टी, एस, डब्ल्यू टी और 6 मीटर। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, कुछ फॉर्मूलाज हैं, ध्यान से देखना। क्या मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल टू एस या एस इज इक्वल टू टी बाय टू? ऐसे देखो, एस इज इक्वल टू टी बाय टू लिख सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे लिखना है एस किसके बराबर है, तो एस बराबर है 6 मीटर, ध्यान से देखना, प्लस डब्ल्यू टी बाई टू। एस के दो फॉर्मूलास हो गए, एस बराबर टी बाई टू या फिर एस बराबर 6 मीटर प्लस डब्ल्यू टी बाई टू। ये दो चीजें समझ आई आप लोगों को? दो चीजें समझ आई? थम्स अप मानो। आपको टैक्सी वे के डिजाइन के लिए दो फॉर्मूलाज दिए जाते हैं। आपको टैक्सी वे के डिजाइन के लिए दो फॉर्मूलाज दिए जाते हैं। दोनों फॉर्मूलाज मैं आपको दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला है टर्निंग रेडियस का।
फर्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ द टर्निंग रेडियस, कि जब वो टैक्सी वे के ऊपर एयरक्राफ्ट टर्न करता है तो वो टर्निंग रेडियस कितना होना चाहिए। फर्स्ट नेम इज टर्निंग रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल रेट क्राइटेरिया से इसे हम डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल क्राइटेरिया से हम डिसाइड करते हैं। ई प्लस एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है? वी स्क्वेयर बाय 127 आर। इस पैरामीटर को जो नहीं जानता मतलब उसने मेरा कोई क्लास आज तक देखा ही नहीं। तो बेटा पहले मेरा हाईवे पढ़ो फिर यहां पर आओ। तो बेटा ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय 127 आर। एक बात बताओ, मैंने आपको अजम्पशंस में ही लिखवा दिया था देयर शुड बी नो ग्रेडियंट और नो सुपर एलिवेशन ऑन द रनवे और टैक्सीवे। तो ये तो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं और एफ का वैल्यू कितना? 0.13 लेते हैं एयरपोर्ट के अंदर, 0.13। तो यहां से टर्निंग रेडियस का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं? अगर मुझे वी बराबर डिजाइन स्पीड पता हो, इफ वी इज इक्वल टू डिजाइन स्पीड, तो क्या मैं टर्निंग रेडियस का वैल्यू निकाल सकता हूं? थम्स अप करके बताओ बेटा, क्या निकाल लोगे टर्निंग रेडियस का वैल्यू? निकाल लेंगे सब लोग, ठीक है, बिल्कुल निकाल लेंगे, आई नो सब समझदार बच्चे हैं। तो टर्निंग रेडियस आ गया। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर जो पढ़ना होता है बेटा वो होता है ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला। ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है? कि जब भी कर्व के ऊपर मेरा एयरक्राफ्ट या कोई भी जब भी कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी व्हीकल रोड के ऊपर या किसी भी पेवमेंट के ऊपर मूव करता है तो उसका रियर व्हील गोज आउट ऑफ द ट्रैक, रियर व्हील आउट ऑफ द ट्रैक चला जाता है। तो रियर व्हील आउट ऑफ द ट्रैक जाने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग। उसके लिए जो फॉर्मूला आता है उसका नाम है होरनजेव्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसे बोला जाता है होरनजेव्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? होरनजेव्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा भाई, ऑफ ट्रैकिंग के समय रियर व्हील गोज आउट ऑफ द ट्रैक, रियर व्हील गोज आउट ऑफ ट्रैक, रियर व्हील चला जाता है आउट ऑफ ट्रैक। अब होरनजेव्स फॉर्मूला का कहना है कि आर इज इक्वल टू 0.388 डब्ल्यू स्क्वेयर अपॉन 0.5 टी माइनस एस। अब ये पैरामीटर्स को समझो, W इज इक्वल टू व्हील बेस इन मीटर्स, T इज इक्वल टू टैक्सी वे विथ ऑफ टैक्सी वे, विथ ऑफ टैक्सी वे इन मीटर्स, R देखो रेडियस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ टैक्सी वे, फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ टैक्सी वे, दिस इज इन मीटर्स, ये होगा मीटर्स में, दिस इज इन मीटर्स ये होगा, ठीक है बेटा। ये पैरामीटर्स मैं आपको दिखा भी चुका हूं, देखिए ये है आपका टी, ये है आपका एस एंड दिस इज योर डब्ल्यू। तो मैं ये सारे सारे के सारे पैरामीटर्स आपको दिखा भी चुका हूं, ठीक है। एस क्या है? एस भी मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं है। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ मेन गियर, डिस्टेंस फ्रॉम मेन पॉइंट ऑफ, या फिर फ्रॉम मिड पॉइंट बोलेंगे, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ मेन गियर टू द इनर एज, टू द इनर एज। तो भाई क्या होरनजेव्स फॉर्मूला सबको समझ आया? थम्स अप करके बताइए, क्या होरनजेव्स फॉर्मूला सबको समझ आया? निलेश, ये प्रशांत सोलंकी, हाँ वही है, टर्निंग रेडियस ही है भाई, लेकिन टर्निंग रेडियस चेंज हो जाता है क्योंकि वो कर्व पर आ गया। आ रहा हूं उस पर, सुनो। और जो प्रशांत सोलंकी तुम बता रहे हो 120 मीटर्स, वो मैं बताऊंगा कि क्यों होता है वो 120 मीटर्स, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा सुकून बनाए रखें और सुनते जाएं, मैं सारे पैरामीटर्स को यहां पे कवर करूंगा। अब सुनो ध्यान पे, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मुझे एक बात बताओ,
एक बात बताना ध्यान से, ठीक है? अगर मेरा यहां पर मुझे एक बात बताना, अगर मैं एस को कर दूं ए दिस क्वेश्चन, इफ एस बिकम्स टी बाय टू तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? इफ एस बिकम्स टी बाय टू व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर? आर का क्या वैल्यू हो जाएगा? इन्फिनिटी। इफ एस इज इक्वल टू टी बाय टू, दिस इज टी बाय टू, दिस बिकम्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आर का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? इन्फिनिटी आर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी सुनेंगे निलेश, सुनना बेटा ध्यान से, जब भी मेरा एयरक्राफ्ट ऑफ ट्रैकिंग पर नहीं होगा, मतलब किसी स्ट्रेट रोड पर है, किसी स्ट्रेट कर्व पर है, स्ट्रेट रनवे पर है या स्ट्रेट टैक्सी वे पर है, तो उसे इस फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कर्व के लिए है। तो वहां पर आर ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है? इन्फिनिटी। सो दिस फॉर्मूला इज कवरिंग द कर्व्ड पाथ एज वेल एज द स्ट्रेट ट्रैक। तो जो आपके दिमाग में है कि इसे टर्निंग रेडियस होगा या फिर ऑफ ट्रैकिंग रेडियस होगा, दोनों एक ही बात है, बस वहां पर चेंज हो जाएगा, आर विल बी इंफिनिटी और यहां पर आर का एक डिफाइंड वैल्यू होगा। और शायद यही तो डिफरेंस होता है स्ट्रेट पाथ और एक कर्व्ड पाथ के अंदर। तो क्या ये पूरी कहानी क्लियर हुई तुम्हें निलेश? अब आ जाओ प्रशांत सोलंकी के 120 मीटर्स पर। अब आ जाओ प्रशांत सोलंकी के 120 मीटर्स पर। देखिए भाई, तीसरी वैल्यू रेडियस की जो टैक्सी वे की होती है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया टर्निंग रेडियस का सेंट्रीफ्यूगल क्राइटेरिया से, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया ऑफ ट्रैकिंग क्राइटेरिया माने के होरनजेब्स क्राइटेरिया से, एक मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम रेडियस बाय आईसीएओ। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि दो तरह के एयरक्राफ्ट आप जो जानते हैं, सबसोनिक और सुपरसोनिक, ये दो तरह के एयरक्राफ्ट के लिए दोनों अलग अलग वैल्यू होगा, एक होगा 120 मीटर्स और एक होगा 180 मीटर्स। तो बेटा 120 कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, वो 180 भी हो सकता है। अब ये सुपरसोनिक और सबसोनिक क्या होते हैं, ये डिपेंड करता है मैक नंबर के ऊपर, जो मैक नंबर जो होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड की कंपैरिजन से जो मुझे मिलता है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं नहीं कुछ कर सकता, एम शुड बी ग्रेटर देन 1 तो होगा सुपरसोनिक, ठीक है भाई? इफ एम इज लेस देन 1 तो ये होगा बेटा सबसोनिक, एंड इफ एम इज इक्वल टू 1 तो ये होगा सोनिक। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आई चूज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड और द रेडियस विच इज योर आइदर 120 मीटर्स और योर 180 मीटर्स। तो एयरक्राफ्ट की हमारे पास तीन रेडियस आ गई, कितनी रेडियस आ गई एयरक्राफ्ट के टैक्सी वे की? तीन रेडियस आ गई, एक आया मिनिमम रेडियस, एक आया ऑफ ट्रैकिंग रेडियस और एक आया रोलिंग रेडियस, मतलब के टर्निंग रेडियस हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्राइटेरिया से। अब मैंने आपको बताया है कि हमेशा इन तीनों में से एक ही रेडियस को हम कंसीडर करते हैं। अब वो क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा या तो मिनिमम रेडियस बताइए या तो मैक्सिमम रेडियस बताइए। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इसके ऊपर, क्वेश्चन देखेंगे। क्या ये कहानी सबको समझ आई भाई? इतनी पहले थम्स अप करके बताओ, क्या हम क्वेश्चन लगाएं? कैन वी प्रोसीड टू क्वेश्चन? कैन वी प्रोसीड टू क्वेश्चन? चलो तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन बनाओ सारी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यार क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है मेरे भाई, इफ वी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, इफ एफ इज इक्वल टू 0.13, इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 मीटर्स, इफ टी इज इक्वल टू 25 मीटर्स, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 6 मीटर्स, क्लियरेंस फ्रॉम इनर व्हील टू इनर एज, क्लियरेंस फ्रॉम
इनर व्हील टू इनर एज इज 6 मीटर्स, व्हाट वुड बी द मिनिमम टर्निंग रेडियस, व्हाट इज मिनिमम आर फॉर अ सबसोनिक एयरक्राफ्ट, फॉर अ सबसोनिक एयरक्राफ्ट, किसी सबसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए मिनिमम रेडियस क्या होगा बताइए भाई। तीनों क्राइटेरिया पे चेक करिए, जो मिनिमम वैल्यू हो वो मुझे बताइए। तीनों क्राइटेरिया पे चेक करिए, जो मिनिमम वैल्यू हो वो मुझे बताइए। ये एस नहीं है, मैं आपको बता दूं, गलती मत करना, दिस इज नॉट एस, ये एस नहीं है, एस आपको निकालना होगा। बताइए बेटा, बताइए जल्दी से। हाँ अमित का कहना है 99 पॉइंट। बेटा एक बात आपको बताऊं क्या मैं, तुम समझना अमित बेटा, आपको जो तीन वैल्यूज मिलेंगी, मैंने हमेशा तुम्हें बताया है हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं बेटा, एक वैल्यू है सुन लेना सब लोग, एक है लेंथ और एक है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमेशा कंसीडर करते हैं मिनिमम, जितनी भी स्पीड कैलकुलेट करोगे उनसे मिनिमम हमेशा कंसीडर करेंगे, और लेंथ करनी होती है मैक्सिमम। तो भले ही उसने आपसे मिनिमम रेडियस पूछा है, आप फिर भी तीनों क्राइटेरिया में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बताओगे। तो अमित क्या क्लियर हुआ? रोए मैक्सिमम माना जाएगा, तुम्हारे तीनों आंसर सही हैं, बट द अज्यूम्ड वैल्यू विल बी 120 मीटर्स। क्या क्लियर हुआ? यही कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, ठीक है? अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए बेटा, सेंट्रीफ्यूगल क्राइटेरिया, पहला एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 आर, सो दिस वुड कम आउट टू बी 0.13 इज इक्वल टू 30 स्क्वेयर अपॉन 127 आर, दिस आर वुड बी योर 54.51 मीटर्स। ठीक है, पहला पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ऑफ ट्रैकिंग क्राइटेरिया, ऑफ ट्रैकिंग क्राइटेरिया में इस्तेमाल करूंगा होरनजेफ के फॉर्मूला का। तो होरनजेफ भाई साहब का कहना था आर इज इक्वल टू 0.388 W² अपॉन 0.5 TS, 5T - S, S कितना है, S इज इक्वल टू WT + 6, WT/2, सो दिस विल कम आउट टू बी 6 + 6/2 मतलब 9 मीटर ये आ जाएगा। यहां से आप कैलकुलेट करिए सारी वैल्यूज, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.388 W का स्क्वेयर मतलब 30 का स्क्वेयर अपॉन 0.5 × 25 - 9, सो दिस वुड कम आउट टू बी, आपको सारी वैल्यूज यहां से मैंने दे दी, सो दिस विल कम आउट टू बी 99.77 मीटर्स। ये कैसा एयरक्राफ्ट है? सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, तो सबसोनिक के लिए 120 मीटर होगा। तो मेरे पास तीन वैल्यू हैं, एक है 120 मीटर, एक है 99.77 मीटर्स, और एक वैल्यू है मेरे पास कितना बेटा, एक वैल्यू है मेरे पास 120 99 54.1 मीटर। सो माय द आंसर विल बी
इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन है? द मैक्सिमम वैल्यू इज 120 मीटर्स, दिस इज योर राइट आंसर। सो दिस इज योर मिनिमम रेडियस। भले ही ये मैक्सिमम है, लेकिन दिस इज द मिनिमम रेडियस जो हमें अज्यूम करना है। क्यों? इससे कम रेडियस मैं करूंगा तो सब सोनिक के लिए सेफ नहीं होगा, तो सेफ्टी पैरामीटर के आधार पर दिस इज द मिनिमम वैल्यू विच वी विल अज्यूम। हाँ, तो क्या हो गया? गेट में पूछेगा, सारा तो तुमने सॉल्व कर दिया, तीनों आंसर तो सही बताए, इससे आसान क्वेश्चन। बेटा अच्छा है अगर ये क्वेश्चन गेट में पूछ ले तो, समझ रहे हो? अच्छा है अगर वो ये क्वेश्चन गेट में पूछ ले तो। वेरी गुड इमरान, क्या सब लोगों को समझ आया? बेटा थम्स अप कर दो, थम्स अप करके बताओ क्या सब लोगों को समझ आया। पाला कौशिक, देख लूंगा बेटा क्लास के बाद, ड्यूरिंग द क्लास आई विल नॉट वॉच इट, ठीक है? आफ्टर द क्लास आई विल वॉच इट एंड आई विल रिप्लाई यू इफ यू हैव डन इट, ठीक है? आफ्टर द क्लास, ठीक है? चलो तो बच्चे अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के काम काम के कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं, तुम जाकर अभी सुकून से अपना सारी तैयारी करो। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, रिवीजन इतना ही है एयरपोर्ट का अभी के लिए, गेट के लिए। मैं फिर कहता हूँ ओनली फॉर गेट, ईएससी के लिए अलग है, ईएससी के लिए बहुत सी चीजें पढ़नी होती हैं भाई। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर मुझे डीएम करो जैसे कोपाला कौशिक ने किया, ठीक है? और कोई भी अगर आपके पर्सनल डाउट्स हैं तो भी आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हो। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन, गेट 2021। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।